ये जो मिट्टी खाने की समस्या होती है, ये ना केवल बच्चों में पाई जाती है, बल्कि बहुत सारे बड़े लोग भी मिट्टी खाते हैं, खासकर गर्भवती औरतें। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मिट्टी, चौक, सलेटी और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके टुकड़े खाने शुरू कर देती हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण और उसका उपचार। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्य अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे पूछा है कि मेरा बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी खाना नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है उसे? तो इस प्रॉब्लम का अगर कोई आपके पास उपाय है तो प्लीज बताइए। ये जो बच्चों में मिट्टी खाने की प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं खाते, ये दीवारें भी चाटते हैं, ये पेंट उखाड़ उखाड़ के भी खा जाते हैं, सलेटियां खाते हैं अगर इनके हाथ लग जाए। ये जो मिट्टी का बर्तन होता है वो टूटा पड़ा होता है, टूटे हुए गमले, उनको भी ये खुरच खुरच के खा जाते हैं। अब जो ये बच्चे इतना क्रियाकलाप कर रहे हैं, कहीं से भी मिट्टी खा लेते हैं, पेंट खा जाते हैं या मिट्टी का कोई टूटा हुआ बर्तन खा लेते हैं, इसके साथ कीड़े जो जर्म्स हैं वो जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और इस वजह से बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बीमारी को पीका बोलते हैं, PICA, कोई पाइका बोलते हैं या पीका भी बोल सकते हैं इसको। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, और साथ ही साथ वो बच्चे एनीमिक भी होते हैं, उनके खून में आयरन की मात्रा थोड़ी कम होती है, और भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो उनकी बॉडी में कम होते हैं, तो उनके अंदर ललक उठती है कि वो मिट्टी खाए, क्योंकि मिट्टी कैल्शियम से भरपूर होती है, वो मिट्टी खाने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही सटीक उपचार है, जो खाने के बाद बच्चों की कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ही होगी, बाकी और मिनरल्स जो उसके ब्लड में कम हुए हैं उनकी भी वो पूर्ति करेगा। इस उपचार का, इस औषधि का नाम है वंश लोचन। आगे स्लाइड में इसको देखिए, ये आपको जो दिखेगा ये वंश लोचन है। सफेद रंग का ये होता है और ये बांस से बनता है। जो बांस का पेड़ होता है उसमें बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो जब बारिश का पानी उसके अंदर जमा हो जाता है वही वंश लोचन बनता है। फिर बांस को काट के उसको निकाल लिया जाता है। आजकल बाजार में ढेर लगा पड़ा है नकली वंश लोचन का, तो आप प्लीज नकली वंश लोचन ना ले, उससे बच्चों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप किसी पंसारी की दुकान पे जाए, पंसारी की दुकान पे ही असली वंश लोचन आपको मिलेगा। इसकी एक बहुत खास पहचान है, अगर आप असली वंश लोचन को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन अगर नकली वंश लोचन होगा तो तुरंत पानी में घुल जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि मेरे बाबा जी आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे, कविराज की डिग्री थी उनके पास। मेरा बेटा एक दिन खेलता घूम रहा था और उसने उठा के मिट्टी खा ली, तब मेरे बाबा जी ने उसको वंश लोचन लाके दिया और कहा कि ये खिलाया कर, ये खाने के बाद ये मिट्टी खाना छोड़ देगा, क्योंकि जो वंश लोचन है उसका स्वाद भी मिट्टी जैसा ही होता है और बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है वो। बच्चों को लगता है कि चलो मिट्टी ही खा रहे हैं, एक तरह से बच्चे बड़ी खुशी खुशी खाते हैं इसको। इसको खिलाने के लिए बच्चों को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बच्चों को पकड़ा दो बच्चे खुद ही खाते रहते हैं, उन्हें लगता है ये मिट्टी ही है क्योंकि मिट्टी वाला स्वाद होता है बिल्कुल उसका। आप अपने बच्चे को लाकर दीजिए वंश लोचन, उसे खिलाइए, और कुछ दिन में ही आप पाएंगे कि उसकी मिट्टी खाने की आदत छूट गई है। मिट्टी खाने की आदत तो छूटेगी ही छूटेगी, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स की कमी जो उसकी बॉडी में हो गई है वो भी पूरी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।